रुद्रप्रयाग तक का, और फिर वहाँ पर जो है हमारा रूट चेंज हो जाएगा उधर मंदाकिनी नदी की तरफ को, यानी कि अपने सोनप्रयाग केदार घाटी की तरफ को। भाई साहब वैसे तो सुबह सुबह का मौसम है, लेकिन फिर भी मौसम कहीं गड़बड़ी नहीं कर दे आज, क्योंकि ना भाई कल से जो है खतरनाक पैकिंग चल रही है। और मैंने जो है एक दो वीडियो में बता रखा था आप लोगों को कि भाई जो है अपनी केदारनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है, तो आज जो है फाइनली अपनी केदारनाथ की राइड चालू हो चुकी है और अपनी पैकिंग जो है ना बिल्कुल मस्त करके हो चुकी है, और अब जो है तैयार हो चुके हम जाने के लिए। हम लोग देखो बिल्कुल खतरनाक करके नाक से लेके ऊपर तक का पिठा लगा लिया है। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी लोगों का उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से, और मैं संतोष सिंह दोस्त की तरफ से प्यार भरा प्रणाम। सो दोस्तों कैसे आप सब, आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आगे भी बढ़िया रहना। पहला भाई कुछ इस तरह से दादा दादी के चरण स्पर्श करने के बाद अभी कर लिए अपनी राइड चालू, और अभी पीछे से गब्बर थोड़ा बहुत सामान ला रहा, कुछ ज़्यादा ही हो गया सामान, एक तो देख पा रहे हैं इतना बड़ा रैकसॉक मेरे पास है, टेंट स्लीपिंग बैग और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वाला बैग गब्बर ने पकड़ लिया है। अभी जो सबसे बड़ा टास्क है मेरा वो है भाई सामान को सीजू में कैसे होल्ड किया जाए, और भाई देखते हैं क्या क्या जुगाड़ लगाते हैं। A few minutes later. तो भाई इतनी मेहनत मशक्कत के बाद अभी जो है कुछ इस तरह से थोड़ा बहुत बांध दिया इसको, बस ना फिर भी थोड़ा बहुत हिल रहा है वो, मुझे लगता है कहीं गिर न जाए रास्ते में, रास्ते पर ना कहीं भी गिर न जाए, तो यही जो है दिक्कत है थोड़ा बहुत। सो हाय गाइस, रेडी वेडी हो गए हैं, और जो हमारा लगेज था वो इधर पे बांध दिया मस्त करके, देख सकते हैं इधर पे BSG वाले अभी लगे हैं हेलमेट को एडजस्ट करने पे, और इधर पे देखा इस चीज लगी है मस्त करके, और आगे की लुक दिखाते हैं इस चीज़ ये चेक करो, और इधर पे हमने बनाया है महाकाल चाय बाबा केदार की ओर चलते हैं, और केदारनाथ के कबाट 10 मई को खुलेंगे, और अभी केदारनाथ की यात्रा शुरू हो गई है, 2 दिन हो चुके हैं केदारनाथ की यात्रा शुरू हो गई, तो निकलते हैं इधर से और दिखाते हैं आपको सारा कुछ बने रहे ब्लॉग में। भाई लगने का खतरा है, बिकॉज मैंने सीजी को पार्क ऐसी जगह की कर रखा है कि थोड़ा बैलेंस में भी कमी आ रही है। भोले बाबा का नाम लेके अपनी राइड जो है शुरू कर दी हमने, निकलते भाई मस्त करके, बस थोड़ा सा बैग की टेंशन हो रही है कि कहीं ये गिर ना जाए, तो अब जो है निकलता है बिल्कुल मस्त करके। हालांकि उमा देवी जो है ना ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग के लिए निकल चुकी है, 9-10 बजे के अप्रोक्सली वो भी पहुंच जाएंगी रुद्रप्रयाग में, बाकी हम भी कोशिश करेंगे कि 10-11 बजे तक हम भी जो है पहुंच जाए रुद्रप्रयाग तक, यहाँ से भी रास्ता होगा लगभग 5-6 घंटे का रास्ता था मिनिमम मान के चलो, अब ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ते है ना, तो इनमें जो है खुलने का जो है पूरा चांस है, कहीं बैग गिर ना जाए, एक तो ना नीचे से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है, तो भाई खुलने का बिल्कुल चांस है खतरनाक करके, अगर खुल गया तो दिक्कत आ जाएगी फिर। जय बली बुबू की। तो देख पा रहे दोस्तों अभी जो है हम जा रहे थे अपने गरुड़ के रास्ते, तो यहीं पे जो है रास्ते में पड़ता है हमारे बली बुबू जी का मंदिर, और कोई भी गरुड़ की तरफ को जा रहा हो और बली बुबू के दर्शन न करे ऐसा हो ही नहीं सकता है, आप लोगों ने हालांकि मेरे काफी वीडियो में जो है देखा होगा। तेरी इसी सनम। अभी कुछ इस तरह से पहुंच चुके हैं डंगोली में, और जो रोड इधर को जाती है ये जाती है अपने गरुड़ की तरफ को, और जो ये चले गई है ये चली गई अपने ग्वालदम कर्णप्रयाग रुद्रप्रयाग केदारनाथ और हरिद्वार सब जगह यहीं से जाते हैं, तो अभी मुझे यहीं को जाना है। जय माँ भगवती। और यहाँ पे ना कोट ब्राह्मणी मेला लगता है बहुत बड़ा, जो कि आप लोगों ने मेरे ब्लॉग देखे होंगे जो भी पुराने व्यूअर्स हैं मेरे। और भाई साहब अभी जो है ग्वालदम यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे है, और ग्वालदम जो कि एक तरह से चमोली और बागेश्वर का बॉर्डर मान सकते हो। भाई साहब मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह की रोड मिलेगी मुझे, और जिसे सामान बांध रखा है एक तो बार बार हिल रहा हो, तो कहीं उसका डर है कि भूल न जाए। और भाई साइड में अपनी पिंडारी नदी, उसके साथ में अब चलना है मुझे सीधे रुद्रप्रयाग तक का, और फिर वहाँ पर जो है हमारा रूट चेंज हो जाएगा उधर मंदाकिनी नदी की तरफ को, यानी कि अपने सोनप्रयाग केदार घाटी की तरफ को। फाइनली जो है अभी कर्णप्रयाग में पहुंच चुके हैं। कर्णप्रयाग बद्रीनाथ के रास्ते में स्थित है और दो पवित्र नदियों अलकनंदा और पिंडर का संगम स्थल है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के कर्ण ने अभेद्य ढाल प्राप्त करने के लिए यहां कई वर्षों तक तपस्या की थी, जिसने उन्हें युद्ध के मैदान में एक दुर्जय योद्धा बना दिया था। कुछ इस तरह से सफर के बाद अभी जो है पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग में, लेकिन यहाँ पे ना एक दिन हो गया है,
दीदी ने होटल लेके यहाँ पे रुकी थी, बट होटल का नाम बताना ही भूल गई। A few minutes later. सब कुछ इस तरह से खाना खाने के बाद अभी जो है रुद्र प्रयाग से निकल पड़े हैं अपने केदार घाटी की तरफ को, और सबसे पहले हमें जाना है ऐसे सोन प्रयाग, और आज का स्टे जो है ना हमारा सोन प्रयाग में ही रहेगा। बाबा केदार की डोली भी आज जो है गौरीकुंड से पहुंच जाएगी, कल मॉर्निंग में 7 बजे बाबा केदार की डोली गौरीकुंड से केदारनाथ को जाएगी। अभी जो है हम अगस्त मुनि से ना लगभग 10-15 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, और अभी जो है यहाँ भाई बारिश। Hours later. पूरे रास्ते भर में इतनी धूल प्लस उसके साथ में क्या है कि बारिश भी हो गई भाई, और धूल के साथ बारिश भाई इतना खतरनाक करके जो है कॉम्बिनेशन बैठ गया, और हमारी जो है वाट लग गई इधर, देखो क्या हालत खराब हो गई भाई बैग की। और फाइनली अभी जो है पहुंच चुके हैं हम सोन प्रयाग में, और हालत देखो भाई सुबह से जो है राइड कर रहे हैं, और अभी जो है थोड़ी देर के लिए हम रुद्र प्रयाग में रुके थे, बाकी उसके बाद से फिर जो है फिर कंटिन्यू। तो अभी जो है लगभग 3 से 4 घंटे का राइड कंटिन्यू करने के बाद अभी जो है पहुंच चुके हैं सोन प्रयाग में, और सोन प्रयाग में देखते हैं भाई सामान इतना सारा है हमारा, और ये सामान जो है यहीं रखें या गौरीकुंड लेके चलें, इसको देखते क्या सारा क्या सीन बनता है। तो वैसे सामान गौरीकुंड ले जाना तो नामुमकिन है, यहीं कहीं रूम देखना पड़ेगा, अगर सामान रखने वाले मिल गए तो ठीक है, वरना फिर हमें रूम यहीं सोन प्रयाग में ही लेना पड़ेगा, और कल मॉर्निंग में ही जो है हमें निकलना पड़ेगा। ये देखो कहाँ घूमेंगे, केदारनाथ। कैसा लग रहा है? तो भाई गाड़ी पार्किंग की, और पार्किंग में टिकट काटते समय ना भाई इतना खतरनाक करके वहाँ पे भीड़ लगी थी ना, क्या ही बोलूँ खतरनाक करके। अभी जो है 1 घंटा हो चुका है, और 1 घंटा जो है पर्ची कटाने में लग गया हमें, और अब जो है ना भाई यहाँ पे हमें रूम देखना है। A few minutes later. तो भाई कुछ इस तरह से सोन प्रयाग का एक छोटा सा व्यू, और यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से अभी रूम ले लिया है, सामान देखो भाई ये हमारा घर नहीं है दीदी, हमारा घर नहीं है। जैसे यहाँ रूम में आए ना तो वैसे जो है बाहर खतरनाक करके बारिश चालू हो गई, और अभी हम हैं सामने में सोन प्रयाग का पार्किंग है, और यहाँ पे हम लोगों ने जो है रूम ले रखा है। हालांकि ना जो मेरे दोस्त लोग हैं देवभूमि ब्लॉग, प्रदीप भाई और मिस्टर रामजी ब्लॉग, सारे लोग जो है ना अभी चले गए केदारनाथ की तरफ को, और वो जो है अभी ट्रैक चालू कर दिए हैं, और कल जो है यहाँ से ढोली जाएगी, और परसों जो है कपाट खुलेंगे 10 तारीख को। तो कुछ ऐसा सीन है, और हमारा सीन है यहाँ से कि कल हम नहा धोके बिल्कुल फ्रेश होकर यहाँ से निकलेंगे आराम से, और कल हम केदारनाथ में रुकेंगे, और परसों जो है बिल्कुल मस्त करके कपाट खुलेंगे, दर्शन करके हम नीचे आएंगे। कुछ इस तरह की प्लानिंग है फिलहाल अभी हमारी। A few minutes later. और अभी जो है कुछ इस तरह से फ्रेश होने के बाद भाई निकल चुके हैं सोन प्रयाग की मार्केट घूमने के लिए। हालांकि यहाँ पे ना बहुत सारे जो है यूट्यूबर लोग आ रखे हैं जिनको कि मैं भी जानता हूँ, जैसे कूल पहाड़ी हो गए, नमस्ते पहाड़, अपने पहाड़ी बाइकर हो गए, तो ये सब भाई लोग जो है आ रखे हैं यहाँ पे। हालांकि मुझे तो अभी तक मिले नहीं है, बट कल जो है सारे लोग जो है मिल जाएंगे हमें। लेकिन अभी जो है सबसे पहले हम खाने की तलाश के लिए निकले हैं, और यहाँ पे सबसे पहले खाना, क्योंकि ना मॉर्निंग में खाया था हमने, पहाड़ों में आग लगने की वजह से जो धुंध छा रही है ना उसकी वजह से भाई आँख पूरी ना लाल हो गई खतरनाक करके। कुछ इस तरह से बिल्कुल मस्त करके खाना खा के जैसे बाहर ही आए थे, तो भाई इधर फिर से जो है बारिश चालू हो गई है, और भाई देखो इतने सारे लोग, मतलब इतने लोग पता नहीं पैदल कहाँ से आ रहे हैं नीचे से। हालांकि गाड़ियाँ तो आगे तक आती है, आगे है स्टैंड जो भी है वो पार्क करने का। यस 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 यस। तो भाई अब आ रही खतरनाक वाली नींद, खाना वगैरह बिल्कुल मस्त के हो चुका है, अब भगवत गीता पढ़ रहे हैं लोग, और हम सो रहे चुपचाप से क्योंकि ना नींद आ रही है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसी वीडियो आप लोग देखते रहो। चलते हैं, करते हैं इस वीडियो को एंड, हम मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए करते हैं बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।